तो आज की वीडियो में हम लोग Amazon में आई हुई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि Go AI Associate, मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आपका हैंड्स ऑन हो सकता है, सीख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। एंड Amazon एक ऐसी कंपनी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर रही है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अदर देन दैट, आप कोई भी ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हो, नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, सबको ही एलिजिबल है, सबको यहाँ पे प्रेफरेंस और अप्लाई कर सकता है। अदर देन दैट, जो इसमें की रेस्पॉन्सिबिलिटीज मांगे, आज की वीडियो में मैं आपको बस ये नहीं बताने वाला कि भाई यहाँ अप्लाई कर दो, ये चीजें रिक्वायर्ड है, ऐसे ऐसे कर लो। आपको एक ऐसा कोर्स देने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी है, दैट इज इमेज प्रोसेस, जिसके ऊपर आपको जो रोल है ना उसी के ऊपर एक कोर्स होने वाला है जो आप सीखने वाला, अगर आप वो कोर्स में एनरोल कर लेते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपको दिखाऊंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूडेमी से डायरेक्टली आप यूडेमी से अप्लाई करके तुरंत कर सकते हो। वो आपको डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे देसी मास्टर की लिंक मिलेगी, वहां पर आपको दोनों लिंक अप्लाई की और यूडेमी की दोनों लिंक मिल जाएंगे, जो आप डायरेक्टली फ्री ट्यूटोरियल जो आप एनरोल कर सकते हो। एंड जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जो भी चीजें दिखी हुई है, वो तुरंत आप सीख के और अप्लाई करके तुरंत शॉर्टलिस्ट होकर तुरंत अमेज़न में अप्लाई कर सकते हो, मतलब काम कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। सारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है भाई साहब, बिकॉज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने चीजें लेकर आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। एंड हैप्पी दिवाली सबको, अगर हैप्पी दिवाली मैंने मिस कर दिया बोलना, हैप्पी दिवाली सबको, आज दिवाली का दिन है, तो डेफिनेटली आप वो सारी चीजें कर सकते हो। एंड अपना सारा जो है पैसे वैसे के लिए और सारी चीजों के जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी चीजें आप क्लियर हो सकती हैं आज ही। तो किस चीज का वेट करो, लाइक कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, गो एआई एसोसिएट, और ये वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है। सबसे पहली चीज, तो अगर आप दिल्ली में हो तभी आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, अदरवाइज आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना पड़ेगा। ये सारी चीज इसलिए मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है। गो एआई एसोसिएट के तरह आप काम कर रहे हो तो गो एआई ऑपरेशन, दैट इज अ डिपार्टमेंट, एंड यहां पे जॉब आईडी, अगर आपका कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है जो अमेज़न में काम कर रहा है, तो आप डायरेक्टली रेफरल भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यहां पे प्रॉपरली यहां पे लिखा हुआ है कि आप क्या करने वाले हो। ये बेसिकली एक वीडियो प्रोसेसिंग की जॉब है, वीडियो मॉनिटरिंग की जॉब है। क्या वीडियो, सपोज क्या होता है ना कि 10 तरह के डेटा आते हैं। अब डेटा के अंदर आपको क्या करना है, वो डेटा मैक्सिमम क्या होता है ना, एआई उसको मतलब प्रोसेस कर देता है कि हाँ ये चीज है, ये एक शर्ट है, ये एक मोबाइल है, ये एक पावर बैंक, ऐसे करके शॉर्ट लोगो कर दिया। अब आपका काम होगा, आपका काम क्या होगा कि वो एआई ने सही किया कि नहीं, वो रेक्टिफाई आपको करना है, वो आपको देखना है कि एक्यूरेसी उसकी देखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन करना है आपको एक्यूरेसी, एंड एक्टिविटी आपकी कैप्चर होगी वीडियो में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आपकी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानने से पहले यहां पे हम लोग देखेंगे आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। द वेरी फर्स्ट थिंग, आप नॉन, अगर आप ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मैंने हरदम बताया हुआ है एमएस ऑफिस में एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की, आउटलुक की, इन सब की नॉलेज लेके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक जॉब रोल में आप एक एक्सपीरियंस, आप एक फ्रेशर हो, किसी भी टाइप के हो, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अभी जाके सीखना चालू कर दो। अदर देन दैट, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, 0 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तभी भी अप्लाई कर सकते हो, 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तभी भी अप्लाई कर सकते हो, नॉट एन इशू, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। आपके पास गुड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स होनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है बेसिकली, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको एक प्रेफरेंस मिल रही होगी। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सलेंट लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, डेटा एक्यूरेसी स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। और गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस आपको ऑलरेडी बता दिया, आपके पास सारे जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है वो सारा आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है। सारे जो भी आपके हेडफोन्स हो गए या इंटरनेट हो गया, इंटरनेट का भी अलावेंस वगैरह दिया जाता है, आपको ओवर टाइम का अलावेंस वगैरह दिया जाता है। एंड वर्चुअल लोकेशन है दिल्ली का, तो अगर आप एक दिल्ली से बिलोंग नहीं करते तो दिल्ली शिफ्ट होकर आपको वर्क फ्रॉम कर सकते हो, अदरवाइज वर्क फ्रॉम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ अभी, ताकि आप परेशान ना हो। अब आपका 5 डेज वर्किंग होता है, अगर डे इन लाइफ हम लोग देखें तो गो एसोसिएट एक ऐसा बंदा होता है, 24/7 की रोटेशन शिफ्ट होती हैं, जिसमें आपको 24/7 आपकी शिफ्ट रोटेट होती रहती है। वो रोस्टर पर डिपेंड करता है, टीम्स पर डिपेंड करता है, मैनेजर्स पर डिपेंड करता है कि आपको किस शिफ्ट में रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर 9 आवर्स के शिफ्ट होते हैं, जिसमें ब्रेक्स इंक्लूडेड रहता है, एंड आपको वर्क अलाउंसेस आपको मिलता है, दैट इज नाइट शिफ्ट अलाउंसेस मिलते हैं, एंड Amazon की तरफ से जो भी वर्क पॉलिसीज हैं, जो भी अलाउंस पॉलिसीज हैं, वो सारी आपको मिल रही होती हैं। आपका 2 फिक्स्ड ऑफ होगा, 5 डेज वर्किंग है तो आपको वो उसके हिसाब से होगा, एंड ये नेसेसरी नहीं है सैटरडे संडे ऑफ होगा, डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पे, बिकॉज़ रोटेशनल शिफ्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करेगा। उसके बाद कैंडिडेट जो है इज एक्सपेक्टेड टू डेमोंस्ट्रेट कमिटमेंट to meet the deadlines, constructive spirit होनी चाहिए आपके पास, discontent and mental toughness, pace of implementation and consistency आपके अंदर होनी चाहिए, performance सही से दे सके, वो सारी चीजें important है। अब मैं आपको बता रहा था ना कि application से पहले आपको कुछ चीजों के requirements होंगे, that is this one, ये course का link आपको मिल जाएगा, free tutorial है, free of cost enroll कर सकते हो, काफी अच्छी rating है, 131 लोगों ने rate किया इसको, 4,500 approximately students इसको enroll किया है, and ratings लिए हैं
4.1 की, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो डायरेक्टली आप भी इनरोल कर सकते हो, किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, इमेज प्रोसेसिंग के बारे में सिखाया जाएगा, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, ये सारी चीजें आपको पहले से आती है ना। तो आप जब शॉर्टलिस्ट हो गए ना अमेजोन में इंटरव्यू जॉब होगा, तो ये सारी चीजें आपको पता है, तो आपके ना डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इनरोल करने पर टैप करना, इनरोल करने बाद जस्ट आपका अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो बना लो तुरंत, एंड बनाने के बाद डायरेक्टली आप साइन अप कर सकते हो। अदर देन दैट कोर्स का कंटेंट आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखा हुआ, हर एक चीज यहां से आप देख सकते हो। कलर मॉडल्स के बारे में सीखते हैं, पॉइंट प्रोसेसिंग के बारे में सीखते हैं, नेबरहुड प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर बेसिकली होने वाला है। तो इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर ही जॉब होने वाली, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, ये सारे इंस्ट्रक्टर्स के बारे में भी लिखा हुआ है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों के पास जिन्होंने ये कोर्स बनाया हुआ है। तो किस चीज का वेट करो, अप्लाई नाउ पर टैप करो। आपको एक क्या नाम है अमेजोन का अकाउंट चाहिए जिसमें एनरोल करने के, नहीं है तो गूगल अकाउंट से भी एनरोल कर सकते हो डायरेक्टली। अप्लाई नाउ पर टैप करने के बाद आपको रीडायरेक्ट किया जाता है, एंड ऐसा नहीं है बस दिल्ली वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप दिल्ली में अगर रिलोकेट भी हो सकते हो ना तभी भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे अपना रेज्यूमे, जैसे रिप्लेस हुआ उसके बाद अपलोड कर दिया, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, काफी चीजें फेच आउट करता है उसके बाद अप्लाई करता है। तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरा खुद का अकाउंट है, इसी वजह से तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ ना, थोड़ा सा लेगा, इट विल टेक सम टाइम, एंड इट विल लाइक वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखा रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे ही मैं अपना रिज्यूमे अपलोड करूँगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वर्क हिस्ट्री, एवरीथिंग विल बी फेच्ड आउट। उसके लास्ट में अपना रिज्यूमे वगैरह जरूर सही से अपडेट करके, यार रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो एकदम सही से अपडेट करके ही यहाँ पे अपलोड करना। उसके लास्ट में आपको वॉलंटरी क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछा जाता है, कुछ एक्नॉलेजमेंट होते हैं, उसके लास्ट में आप रिव्यू करना और सबमिट कर देना, दैट इज इट। एकदम ईजी सा प्रोसेस होता है, ऑलरेडी मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है, तो आप सीधे से सारी चीजें भरा उसके बाद अपलोड कर दिया, एंड ये आपका इंफॉर्मेशन क्या है ना, सेव रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बाद में कोई एप्लीकेशन amazon.job से कर रहे हो तो ये डायरेक्टली आपको फिर से भरने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यही इंफॉर्मेशन आपका फेच आउट होके तुरंत ही आप अप्लाई कर सकते हो, तो ईजी रहता है। अदर देन दैट ये जॉब तो है, अदर देन दैट यहाँ पे भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज डेटा फील्ड से रिलेटेड काफ़ी ढेर सारे हैं, जो हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स, फ्री रिसोर्सेज, काफ़ी चीज़ें डाले हुए हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ डेटा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेज, मैं शेयर करता रहता हूँ, काफ़ी लोग मांगते हैं रिसोर्सेज तो भी लेकर आता हूँ, एंड डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीज़ें थी। अदर देन दैट हमारा ये चैनल तो है जिसमें हम लोग पॉडकास्ट, इंटरव्यू, वीडियोज़ और भी ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी, डेटा फील्ड से रिलेटेड वीडियोज़, सब कुछ पैक्ड एक जगह लेकर आता है। तो आप डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब करो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, कॉलेज ग्रुप्स में डाल दो, जूनियर्स को डाल दो, भाई बहन को दे दो, डेफिनेटली उनका फायदा होगा, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। एंड हमारा मजेदार चैनल तो है जिसपे हम लोग मतलब व्लॉग्स वगैरह, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस और भी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, बिकॉज आई एम अ डेटा इंजीनियर, आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, 3 साल से अपने बैंगलोर में रह रहा हूँ, सेटल्ड हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, कैसे कैसे चीज़ें हुई स्टार्टिंग से लेकर अब तक की जर्नी, और आगे की जर्नी भी आने वाली है वहाँ पे, डेफिनेटली आप देख सकते हो। एंड यही सारी वीडियो थी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे अच्छे रील्स वगैरह आते हैं, स्टोरीज वगैरह डालते रहता हूँ, एंड पर्सनली मेरे से कनेक्ट होकर कुछ पूछना है तो भी कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी पूछ सकते हो। तो सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। कुछ भी डाउट्स कमेंट करके जरूर पूछना। बाय बाय।